लोग वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ रहे हैं, और संस्मरण का नाम है स्वर्ण प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी के बारे में वो बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रसाद निराला आदि जो है काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी को उन्होंने एक आयाम दिया, मैथिली शरण गुप्त जी ने भी राष्ट्रकवि की संज्ञा पाई। और आप कह सकते हैं कि बहुत से सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक मुकाम, एक ऊंचाई, एक आयाम प्रदान किया। और उसके साथ साथ आप यह भी देख सकते हैं बेटा कि मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे साहित्यकार है जिन्होंने कथा साहित्य, हिंदी कहानी और उपन्यास को एक नया मुकाम, नया आयाम दिया। और इसके साथ ही आप ये कह सकते हैं कि जो कहानी विधा थी वह एआरी और तिलस्म जैसे परियों की कहानी आदि से थी, उसको आम सामान्य जनजीवन से जोड़ने का जो काम किया वह मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। और इस तरह से हम पढ़ते हुए हम इनके बारे में यह भी हमने जाना कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है जब किसी भी आम व्यक्ति से मिलते हैं, आम सामान्य व्यक्ति से मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो वह उसके बारे में भी पूरा रस लेकर के उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। और महादेवी जी कहती हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी से बात करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक कविता लिखना जो है वो एकांत में लिखी जा सकती है। आप किसी भी फूल, घास, तारे आदि को लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहानी लिखनी है तो जिस विषय के बारे में आप कहानी लिखना चाह रहे हैं उस विषय से आपको पूरी तरह से रूबरू होना पड़ता है, उसकी गहराई तक जाना पड़ता है। या किसी आंचलिक कहानी, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में, या किसी जाति विशेष के बारे में, या किसी भी तरह की आप जब रचना लिखने जा रहे हैं तो उसकी गहराई में जा करके उस हद तक, जैसे कि मान लो सब किसी सामाजिक बुराई के बारे में आप लिख रहे हैं, मान लो कोई दहेज प्रथा के बारे में ही लिख रहा है, तो उस स्थिति के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि दहेज से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कोई दहेज लेने वाला है या देने, उन लोगों के करीब जाकर के इस समस्या की जड़ तक पहुंचना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसको हम कहानी का विषय बना सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने फिर गांधीवादी विचारधारा और मार्क्स की विचारधारा, तो इसमें जो मेन चीज थी, तो वो कहते हैं कि भाई जो मुंशी प्रेमचंद जी है वो क्या है, गांधी जी के पक्षधर हैं। गांधी विचारधारा कि अगर मनुष्य अंदर से अच्छा है तो वह बाहरी संसार का अच्छे से निर्माण कर सकता है, अर्थात सुधार की जो गुंजाइश है वो सबसे ज्यादा हमारे खुद के अंदर होती है, और जब हम खुद अपने अंदर सुधार कर लेते तो सारी बाहरी व्यवस्था में भी सुधार लाया जा सकता है। तो इन्होंने अपने कलम के माध्यम से जो है कह सकते हैं कि अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के काफी सारे जो है आंदोलनों में भी, उसके अलावा जैसे अपनी रचना के माध्यम से देश को जागरूक बनाने में, बहुत तरह से जो है देश को आजाद कराने में अपना सहयोग दिया है। इनकी रचनाएं जो है कहते हैं कि वो तलवार से भी अधिक तीखी है और प्रभाव डालती है। तो इस तरह से हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए आज हम आगे शुरू करते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि एक के विश्वास के केंद्र में मनुष्य का अंतर जगत है, और दूसरे की मान्यता के मूल में मनुष्य की बाह्य व्यवस्था है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे तो मुंशी प्रेमचंद जी ने गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनमें क्या फर्क रहा, क्या अंतर रहा, और दोनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मार्क्सवाद और गांधीवाद का जो आपस में सामंजस्य है और उनमें जो तुलना है वो इस के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से महादेव जी बता रही हैं। परंतु मानव की असीम करुणा और मंगल कामना की दृष्टि से मार्क्स ही गांधी जी के समीप और गांधी जी ही मार्क्स के निकट, कि अगर कहा जाए कि मार्क्सवाद और गांधीवाद, गांधी जी और मार्क्स दोनों की जो मूल भावना है वो सिर्फ इतना है कि वो जो शोषित है, जिनका शोषण किया जा रहा है, उनके प्रति अपनापन रखते हैं। यह इनके अंदर एक जो आप कह सकते हैं पूरकता है, सामीप्य है या सामंजस्य है, दोनों का भाव एक ही है कि समाज में किसी का शोषण न हो और जिनका शोषण हो रहा है उनके प्रति सहानुभूति भी हो, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति लड़ना भी आ सके, और जो शोषण करने वाले हैं, शोषक हैं, उनके खिलाफ आवाज भी उठाई जा सके, समाज में कुल मिला के सुधार लाना, आम जन का जो जीवन है उसे थोड़ा सा और अच्छा बेहतर बनाना, दोनों का मुख्य मकसद यह है। क्या कहते हैं कि एक के विश्वास में के केंद्र में मनुष्य का अंतर जगत है। मनुष्य का अंतर जगत का अर्थ क्या है? हृदयगत संसार।
अंदरूनी संसार जो आप कहते हैं ना कि हम जब भी कोई काम करने जा रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि मनुष्य अगर आप कोई गलत काम करते तो हमारी अंतरात्मा हमें चेताती है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो गांधी जी है वो ही सोचते हैं कि मनुष्य का जो अपना अंदरूनी संसार है, अंदरूनी जगत है, अंदरूनी भाव है, विचार है, उन सबको हमें केंद्र में रख करके पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, अपने अंदर अपनी सोच को बदलना चाहिए, तब कहीं जा करके हम समाज में कोई परिवर्तन की गुंजाइश सोच सकते हैं। और जो दूसरे हैं वो क्या सोचते हैं कि यदि बाहर की व्यवस्था ही अच्छी हो तो मनुष्य का मन अपने आप अच्छा होगा, उसकी सोच भी अच्छी होगी, वह अच्छे भाव विचार लाएगा और समाज में कोई परिवर्तन करना चाहेगा। और जो महादेवी वर्मा है वो ये कहती है कि दोनों की बात अपनी अपनी जगह सही है। यह भी सच है कि आम जन जो है जिनकी आप कह सकते हैं जरूरतें या जीवन में बहुत कम होती है, मतलब जो जरूरी चीजें हैं वो उतना ही सोचते हैं, तो यदि व्यवस्था इस तरह की है कि समाज को जो बेसिक चीजें हैं, जो सुख सुविधाएं हैं वो बराबर मिली जाए, जिसमें असमानता न हो, संसार अच्छा हो, तो मनुष्य के मन में किसी भी तरह की कोई गलत भावना पनपती ही नहीं है। तो कहते कि लेकिन दोनों का तरीका एक ही है, वो कुल मिला के वो मनुष्य के जीवन में सुधार करना चाहते हैं, ऐसी ही उनकी मान्यता है। मनुष्य की असीम करुणा, मानव की असीम करुणा का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ऐसी दया भावना होनी चाहिए। कहा जाता है कि मानव जो है वह मानवोचित गुणों से पूरक होना चाहिए, उसके अंदर मनुष्य संबंधी गुण का अर्थ है कि जब आप किसी के दुख को देखते हो तो आपके हृदय को दुख महसूस हो और उस दुख को आप यथासंभव अपनी आपके अंदर जितनी योग्यता है, जितने आपके पास साधन है, उस दुख को दूर करने की कोशिश करें, यही मानवोचित गुण है। और मंगल कामना का अर्थ क्या है कि हम सभी की मंगल कामना करें, सबके दुख को दूर करना की कोशिश करें। तो वो कहते हैं इस स्थिति से गांधी जी यानी कि गांधीवाद भी और मार्क्सवाद भी दोनों एक दूसरे के निकट है, एक दूसरे के करीब है, वे एक दूसरे के प्रतिलोम है न कि उत्तर, वरन परस्पर एक दूसरे के पूरक है। क्या कहते कि न तो वे एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब है, न ही किसी के एक दूसरे के विपरीत है, वो तो एक दूसरे के पूरक है। अर्थात दोनों की विचारधाराओं को मिला करके यदि यह बात अगर एक बात हम प्रकट करना चाहते हैं तो वो यह है कि जो है संसार के अंदर कुछ व्यवस्था बदली जानी चाहिए और कुछ मनुष्य को अपना स्वभाव बदलना चाहिए, तभी हम परिवर्तन ला सकते हैं, तभी हम समाज में धरती पर स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं। प्रेमचंद जी से अनेक बार बात करके मैंने पाया कि सत्य को उन्होंने अपने अंतर मन में गहराई से अनुभव किया है। किस तरह का कि वो एक दूसरे को पूरक मानते हैं, कुल मिला के समाज में परिवर्तन लाया जाना चाहिए, जो शोषित है, जिनका शोषण हो रहा है, उनमें के जीवन में कोई परिवर्तन आ सके, उनके जीवन के जो दुख है वह दूर हो सके, तो वह अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। और जबकि गांधी जी जो है अपने विचारों से, अपने भावों से समाज में यह बात फैलाते हैं कि मनुष्य है, मानवता के साथ जिए, मानव है, मानवता की सुरक्षा करे। दोनों का आप कह सकते कि अंतर्मन मन का भाव विचार आदि इसी तरह का है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जो प्रेमचंद है उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हुए इन दोनों की जो अच्छी बातें थी उनको अपने साहित्य के माध्यम से उजागर किया है। आगे महादेवी जी प्रेमचंद जी के बारे में कहती है कि उनकी दूरगामी दृष्टि ने अनेक संभाव्य यथार्थों का समय से पूर्व उन्हें अनुभव करा दिया था। एक बार मेरे यह पूछने पर कि वह उर्दू में प्रतिष्ठित हो चुके थे, फिर हिंदी में आने का कारण क्या था, उनका सहज उत्तर था, हिंदी ही स्वतंत्र भारत की भाषा हो सकती है, मैं उसी में अपनी बात करना चाहता हूँ, वह हिंदी के एक नवीन परमा लाए। पहले वो क्या है, दूर दृष्टि रखते हैं, दूरगामी दृष्टि का है, दूर दृष्टि की भविष्य में होने वाली बात जो है संभावनाएं हैं उनको इस बात का थोड़ा सा अनुमान था, उन्हें पहले से ही कि जीवन में जो यथार्थ है उसका पूर्व अनुमान लगा दिया था कि पहले आजादी से पहले जो देश में भाषा चलती थी वह उर्दू और अंग्रेजी चलती, क्योंकि अंग्रेजों का शासन काल था और उर्दू में लोग लिखते बोलते पढ़ते भी थे, तो दो भाषाएं ज्यादा थी। तो उनसे महादेवी जी कहती कि जब मैंने यह प्रश्न करा कि जब आपको उर्दू भाषा के लेखन के जरिए आपको प्रतिष्ठा मिल चुकी थी, आप कह सकते हो कि आपकी एक पहचान बन चुकी थी, तो फिर आपने हिंदी में लिखना क्यों शुरू किया। जब मैंने ये संस्मरण आपको पढ़ाना शुरू किया तब बताया भी था कि प्रेमचंद जी सबसे पहले उर्दू में ही लिखा करते थे और उसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो कहते कि जब महादेवी जी ने यह प्रश्न किया कि जब आपको प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिल चुकी है, पहचान मिल चुकी है,
उर्दू में लिखने की बात, तो फिर आपने हिंदी भाषा में लिखना क्यों शुरू किया? तो उन्होंने एक साधारण सी बात कही कि हिंदी जो है आजाद भारत की भाषा हो सकती है, और यह आपको पता ही है कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी जो है भारत की भाषा है। और कहते कि यह जब यह स्वतंत्रता के बाद ही हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा का गौरव मिला था। आप कुछ बच्चे ऐसा जानते होंगे कि 14 सितंबर को हम जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते भी हैं। वो कहते कि मैं अपनी बात उसी बात में कहना चाहता हूँ जो हमारे देश के लोग समझ सके, जो मैं लिखना चाह रहा हूँ आप ये देखिए कि उसको वो आने वाली पीढ़ी समझ सके। जब मुंशी प्रेमचंद जी थे, जब उन्होंने रचनाएं लिखी, तो उस समय भारत की भाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन वो कहते कि मेरे को आगे की पता है कि जब हमारा देश आजाद होगा और इसकी भाषा हिंदी होगी, तो मेरी रचनाएं जो है जब लोग पढ़ेंगे तो वो उस तत्कालीन समाज के बारे में अवगत हो सकेंगे। वो हिंदी भाषा में एक नवीन नया प्रभाव लेकर के आए और उसको लोकप्रिय भी बनाया, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के बारे में यह कहा जाता है कि वो इतनी प्रसिद्ध हुई, लोग इतने अच्छे से जानते और समझते थे कि कुछ लोगों ने उनकी कहानियों को पढ़ने के लिए भी हिंदी भाषा सीखी। तो हमारे देश की भाषा थी, इसको एक गौरव प्रदान करना उनका मकसद था। उनको यह भी लगता था कि जो बात हिंदी में कही जा सकती है, जो अनुभव और जो एहसास हिंदी भाषा प्रकट कर सकती है, वह अन्य कोई भाषा प्रकट नहीं कर सकती। अभी मैं आपको एक बात इसी बात से जुड़ी है, क्योंकि सिर्फ हमें जो अपनी पुस्तक है उसको ही पढ़ना काफी नहीं होता, हमारा मन, हमारे अंदर ऐसी काबिलियत भी होनी चाहिए, क्योंकि आप सब बड़े हो चुके हैं, समाज से जुड़ी हुई बातों को भी आप जाने समझे। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले किसी साहित्यकार से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो ये समाज में महामारी है, जो लोगों के अनुभव है, जो हालात है, आने वाले 30-40 साल के बाद इसके बारे में कि भी समाज में इतना बड़ा परिवर्तन भी आया, लोग इस तरह से लड़े, ये नुकसान हुए, ये हमने इससे गेन किया सीखा, इन सब के बारे में आने वाले पीढ़ी को, मतलब 30-40 साल के बाद पता होना चाहिए, जानना चाहिए, वो किस तरह से जान सके, हमें कुछ ऐसा लेखन करना चाहिए। तो जो दूरदृष्टिगामी वाले मान लो साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, तो वो जिस समय लिख रहे होते हैं उस समय वो यह सोचकर भी लिखते हैं कि आने वाली पीढ़ी जब उनकी रचनाओं को पढ़े तो उनके समय के समाज के बारे में भी जान सके। तो महादेवी वर्मा कहती है कि इस तरह से दूरदृष्टि रख करके प्रेमचंद जी ने यह बात लिखी, यह किया। अब आप ये कह सकते हैं कि जो इस संस्मरण का मुख्य उद्देश्य है, इसको लिखने के पीछे जो भाव है, वह आप इन पंक्तियों से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा ये पंक्तियां आपको। देखिए कहते हैं, उनके साहित्य का मूल स्वर है माँ भय। माँ भय शब्द जो है यह संस्कृत का शब्द है, माँ करते नहीं और भय करते भय, डर। क्या कहते हैं कि ऐसा काम मत करो, माँ भय अर्थात मत डर। उनके साहित्य का जो मूल स्वर है, उन्होंने जो कहानियां लिखी है, जो लिटरेचर लिखा है, जो साहित्य लिखा है, उसमें जो शिक्षा दी है, जो उनका उद्देश्य रहा है, जो उपदेश दिया है, जो ज्ञान दिया है, वो यह है कि डरो मत। और जो साहित्यकार अपने युग को अभय नहीं देता, वह किसी भी अन्याय से जूझने की शक्ति नहीं देता, और जो ऐसी अमोघ शक्ति नहीं देता, वह युग जीवन का संगी नहीं हो सकता, और उनके युगांतर तक मानव संगी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। महादेवी जी ने प्रेमचंद जी के बारे में बहुत कुछ बताया, और आप ये कह सकते कि जो उनके द्वारा लिखा गया साहित्य है उसका जो निचोड़ है और वो किस तरह से आज के समाज के लिए प्रासंगिक है, उपयोगी है, दो पंक्तियों में उन्होंने लिख दिया है कि उनके साहित्य का जो मुख्य स्वर है वह क्या है, माँ भय डरो, जीवन में अपने आस पास डर न लाने दो। और क्या कहते हैं, जो साहित्यकार अपने युग के लोगों को अभय नहीं देता, डरो मत यह बात नहीं सिखा पाता, वह किसी अन्याय से जूझने की शक्ति नहीं देता। और जब तक कोई साहित्यकार की लेखनी समाज को यह शक्ति नहीं देती, यह अमोघ शक्ति का है, जिस अमोघ का अर्थ होता है बेटा जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसका कोई वार खाली नहीं जाता, जैसे क्या कहा जाता है, भगवान राम के जो बाण है वो अमोघ है, अर्थात उन्होंने कलम से ऐसी चीजें लिखी जिससे समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा मिले, शक्ति मिले। और एक लेखक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह तभी फलीभूत माना जाता है जब उनकी रचना को पढ़ने के बाद एक व्यक्ति भी सुधर सके, किसी एक के जीवन में जब परिवर्तन आ जाता है
तो यह कहा जाता है कि वह रचना लिखी जानी सफल हुई है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने भी वही काम किया, जो सामाजिक बुराइयां थी उनके बारे में उन्होंने लिखा, उसको समझाया, जाना, और फिर उसके बाद लोगों को मार्गदर्शन किया। युग जीवन का संगी नहीं हो सकता, अर्थात जो उस समय के लोग हैं, युग के लोग हैं, उनका साथी नहीं हो सकता। और उसके युगांतर तक, युगांतर का अर्थ कि जिस समय वो हुआ है उसके काफी लंबे समय तक मानव संगी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब वो अपने युग का, युग के जीवन के लोगों का, जिस समय वो लिख रहा है, लोगों का साथी नहीं हो सकता, तो युगांतर का अर्थ है अपने समय के बाद मनुष्य का संगी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कहते कि साहित्य के आकार के अंदर जो एक विशेष गुण होना चाहिए कि वो अपने युग के लोगों को डरो मत का अर्थ है भय मत लेके आओ, यह बात अगर वो सिखा नहीं सकता, यह बात उन्हें समझा नहीं सकता, अर्थात उन्हें आप कह सकते हैं मानसिक शारीरिक मजबूती नहीं देगा। मजबूती किस तरह से आती है, आपने यह बात सुनी होगी कि जो हमारा जीवन है उसे हमारा दिमाग चलाता है और हमारे दिमाग को हमारी सोच चलाती है। यदि आप अपने जीवन में अच्छा सोचते हैं, अच्छे भाव और विचार रखते हैं, तो आपका दिमाग आपके शरीर को उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इस बात को साइंस भी मानती है। और आपका दिमाग, आपकी सोच अच्छी कब होगी, जब आप अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से जुड़ते हैं। जब आपके भाव विचार सोच अच्छी होती है तो आपका दिमाग अच्छा होता है, और जैसे ही आपका दिमाग अच्छा होता है आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए महादेवी जी कहती कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वह अमोघ है। उन्होंने अपने युगीन समस्याओं को तो बताया ही, साथ में उसके समाधान को भी प्रस्तुत किया। आपने पहले इसमें एक पंक्तियों में पढ़ा है कि सिर्फ समस्या बता देना काफी नहीं है, उसका समाधान भी उन्होंने प्रस्तुत किया। समाज में क्या क्या कुरीतियां हैं और उन कुरीतियों पर विजय कैसे पाई जा सकती है, और देशवासियों को आजादी के लिए भी उन्होंने तैयार किया। तैयार करने का अर्थ नहीं कि उन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई, उन्होंने सिर्फ वही काम किया कि किस तरह से अपनी सोच को बदल करके अपने जीवन को बदल सकते हो। एक साहित्यकार का काम इतना ही है कि जो उसकी रचना है वह किसी की सोच को बदल सके, किसी के जीवन को बदल सके, किसी के जीवन में आप कह सकते हैं स्वाभिमान ला सके। अभिमान का अर्थ यह नहीं होता, स्वाभिमान का अर्थ यह नहीं कि आप घमंड करने लगे, नहीं, आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख सके कि हाँ मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह लड़ाई लड़ सकता हूँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ। क्या कहा जाता है कि काम न करने से कई गुना ज्यादा अच्छा है कि आप काम करके असफल हो जाए। काम न करने से कई गुना ज्यादा अच्छा है कि आप काम करके असफल हो जाएं, क्योंकि आपको उस समय एक सुकून रहता है कि मैंने प्रयास तो किया। और साहित्यकार का मुख्य उद्देश्य जो है, उसकी रचनाओं का मुख्य उद्देश्य मनुष्य जन जीवन के जीवन में इस तरह के बदलाव को लेकर के आना है। बस अब प्रेमचंद जी के बारे में आपने पढ़ लिया बेटा, और